हे एवरीवन, तो आज बनाएंगे रागी की रोटी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही पतली लेयर वाली और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से दिखाया है। ये देखिए, एकदम जो हम गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह फूलती है और बहुत ही हेल्दी होती है। और इसे सर्व किया है सब्जी और एक चटनी के साथ, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। चलिए रेसिपी को चेक करते हैं। तो आज मैं सब्जी बना रही हूँ, आलू और सीमी की सब्जी, और साथ में प्याज लहसुन टमाटर कट किया है, धनिया पत्ता भी कट किया है। तो आप क्या करेंगे, मिक्सी में हम मसाला पीस लेंगे। तो लहसुन लिए है मैंने और थोड़े से टमाटर। लहसुन टमाटर को साथ ही ग्राइंड करना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा एक पेस्ट बना लेना है, जो कि हम मसाले में यूज़ करेंगे ग्रेवी के लिए। तो ये देखिए, हमारा मसाला जो है ना, वो रेडी है। तो अब क्या करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो कढ़ाई चढ़ाया है मैंने, अब इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल, और अब इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, जीरा, थोड़ी सी काली वाली राई, और अब हम इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे। तो तेज पत्ता ना ऑप्शनल है, बट तेज पत्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप इसके जगह पे ना कड़ी के पत्ता भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, इसको ना अच्छे से भून लेना है। और अब हम इसे इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज को ना भी हमें फ्राई नहीं करना है, बस इसे ना हम थोड़े से सॉटे करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे जो हमने आलू और सीमी कट किए थे ना, वो साथ ही डाल देंगे। क्योंकि आलू मैं कट करके इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने ना बहुत जल्दी पक जाने वाले वैरायटी के आलू लिए हैं, वो ना कट कर ही डालने से वो पक जाती है बहुत ही जल्दी। उसे यहाँ काठमांडू में मूड़ा आलू बोलते हैं, जो बहुत जल्दी पक जाती है, जिसे उबालना नहीं पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो ना उबालने का, तो आप ऐसे उबाल सकते हैं, या फिर दाल आप नहीं बनाएंगे। मेनली तो मैं दाल में ही उबालती हूँ, दाल आप नहीं बनाएंगे तो उसमें भी आप उबाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा जो सब्जी है ना, वो फ्राई हो गया है। इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया, जीरा, धनिया पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है मैंने कलर के लिए और फ्लेवर टू के लिए। तो फ्लेवर टू का मतलब ये है कि फ्लेवर कश्मीरी लाल मिर्च से ना सिर्फ कलर ही नहीं आता है, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप ट्राई करते होंगे तो आपको पता ही होगा। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे मसाला जो हमने मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ था ना, वो मसाला डाल देंगे और साथ में इसको भूनेंगे। आलू सेमी की सब्जी ना मुझे रागी के रोटी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा, बहुत ही बढ़िया लगा खाने में। तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आए ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और इसे ढककर छोड़ देंगे। तो सब्जी को ना मैं ज़्यादातर मसाला भूनने के बाद लो हीट पर ही पकाती हूँ, तो वही स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। लो हीट पे पकाने से ना क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं और जलते भी नहीं है, और जो हमारी ग्रेवी बनी रहती है बहुत ही बढ़िया लगती है। सब्जी का कलर, टेक्सचर, हर एक चीज़ परफेक्ट रहता है। तो मैंने लो हीट कर दिया, अब इसे ढक करके छोड़ देंगे। तब तक मैं क्या करूँगी ना, मैं चटनी बनाऊँगी। तो चटनी के लिए मैंने लिया है टमाटर, 3 टमाटर लिए हैं पके हुए, और धनिया लिया है, और वो जो प्लेट में धनिया देख रहे हैं ना, वो मैं सब्जी में डालूंगी। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो जितने हमने मसाले मतलब सॉरी मसाले के लिए नहीं, जितने हमने चटनी के लिए रखा है ना, वो सारे चीज़ को पका लेंगे, यहाँ तक कि प्याज टमाटर मिर्च लहसुन धनिया को छोड़ के ना, सारे चीज़ को हम पका लेंगे आग पे। तो आप देख ही सकते हैं मैं जाली पे पका रही हूँ। तो आप चाहे ना इसकी अलग स्टेन आती है, उस पर भी आप पका सकते हैं, या फिर ना आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। बट मुझे स्टीम वाला जो फ्लेवर है ना, स्टीम वाला जो चटनी होता है ना, उसे छोंकना पड़ता है। बट इसको ना आपको छोंकना नहीं पड़ेगा, बस पका लो, ग्राइंड कर लो, इसमें कच्चा तेल डाल लो, बस हो गया।
इसका चटनी जो है वो रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पुदीना अवेलेबल नहीं था ना, इसीलिए मैंने पुदीना नहीं दिया है, बट उससे भी ज़्यादा मतलब बिना पुदीना का भी जो चटनी है ना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो सारे जो है वो हमारे इंग्रेडिएंट पक चुके हैं, मैं धीरे धीरे सबको निकालती जा रही हूँ और टमाटर भी मैं निकाल लूँगी। टमाटर का जो स्किन है ना वो हटा देना चाहिए, वो हटा के तब ग्राइंड कीजिएगा। तो ये बड़े वाले टमाटर थे, ये कुछ पके नहीं थे, तो मैं इसे थोड़ा और पकाऊँगी। अब मैंने इसे साइड कर लिया है। अब जो आप देख सकते हैं ये सारे जो वेजिटेबल्स है ना, इस सारे को हम ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी धनिया, क्योंकि धनिया मैं सबसे पहले डालती हूँ, वो नीचे होती है ना तो बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाती है। और इसमें डालेंगे प्याज, मैंने एक प्याज लिया था, और लहसुन का कली जस्ट तीन मात्रा लिया था। और ये ना बिना तीखी वाला मिर्च है, मतलब आप तीखा मिर्च भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद हो तो। मुझे मतलब घर में जो बच्चे हैं ना वो भी खा लेते हैं, तो मैं तीखा नहीं डालती, बस ये बिना तीखा वाला मिर्च है मैंने वो ही डाला है, वो भी हरा वाला। और टमाटर का स्किन ना मैंने हटा दिया है, स्किन हटा के, और ये टमाटर ना कुछ ज़्यादा ही सख्त थी ना, तो मैंने इसे कट कर दिया है और अब इसे डाल देंगे। तो हमें ना इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पिस जाती है, क्योंकि मैंने इसमें प्याज और टमाटर डाला है और प्याज और टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में ना मैं नमक डाल दूँगी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ना जो हमारी चटनी है वो बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसे कटोरे में निकाल दूँगी और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अगर आपको खट्टा पसंद है ना तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और सरसों का तेल देने के बाद ना बस ये जो चटनी है ना वो रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और अब तैयारी करेंगे, मतलब एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं उसके बाद। तो सब्जी को हम चेक कर लेते हैं ना, तो हमारी सब्जी जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं बट सॉफ्ट हो गया है। जो हमारा सीम है ना वो भी सॉफ्ट हो गया है अच्छे से। अब मैं इसमें मतलब गरम मसाला डालूंगी। आप चाहे तो इसमें मीट मसाला भी डाल सकते हैं, सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने गरम मसाला डाला है। और अब ना क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा डिलीशियस बना है, जो इसका मतलब ग्रेवी है ना परफेक्ट है। और लास्ट में हम इसमें धनिया डाल देंगे और इसे ढककर साइड कर लेंगे। और अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई है और ये है रागी का आटा जो सिर्फ 500 ग्राम है। इसे मिलेट फ्लोर भी बोलते हैं। ये मैंने ना भाटपटेनी से लिया है, यहाँ पर सुपरमार्केट में जो मिलती है वही है। और मैंने ना सिर्फ एक कप आटा लिया है। एक कप आटे में मुझे लगभग 10-12 रोटी बन करके तैयार हुआ है। और उसी कप से एक कप पानी भी लिया है। तो मैंने ना मतलब जब पानी में ज़्यादा उबाल आया ना, जैसे हम चावल के आटे को बनाते हैं ना, चावल का आटा कर जो रोटी बनाते हैं गर्म पानी वाला, तो सेम वैसा ही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है सेम वैसा ही। और ये मैंने ना एक कप पानी मैंने निकाल के पहले रख लिया था ताकि बाद में घटेगा तो मैं डालूँगी, और वही हुआ घटा और मैंने डाला। तो मैंने ना मेज़रमेंट परफेक्ट लिया था, तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि मेज़रमेंट परफेक्ट है, नहीं निकालना पड़ेगा। मैंने मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था बट मैंने अब अंदाज़ा हो गया है, सेम उतना ही लगता है। तो इसे ना आटे के साथ अच्छे से पका लेंगे 2 मिनट लो हीट पर। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसे उतार लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये ना अभी मतलब गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ है, तो इसे ना गर्म ही गूंदना पड़ता है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो इसे गर्म ही गूंदिएगा। तो मैंने ना लोटा में, जो लोटा होता है ना, मैंने यहाँ पर लोटा ही बोलता है, तो लोटा में ना मैंने ठंडा पानी लिया है और ठंडे पानी को मतलब यूज़ करते हुए मैं इस आटे को गूंद लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मुझसे नहीं हो रहा है बट मुझे गूंदना है। और मेरे बगल में ना परी बैठी है, और परी मतलब मैं जब भी आटा लगाती हूँ ना तो वो मेरे पास आ जाती है थोड़ी सी लोई लेने के लिए, और थोड़ी सी मैं उसे दे देती हूँ ना तो वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ बनाती रहती है। ये चीज़ हमेशा ही होता है मेरे साथ, मैं जब भी आटा गूंदने के लिए बैठती हूँ ना तो वो मेरे पास आ जाती है और थोड़ी सी लोई लेके वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है।
तो ये आटा जो है ना परफेक्टली गूंध गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट नहीं है बट परफेक्ट गूंदा है। इसका लोई भी मैंने कट करके रख लिया है। अब मैं इसका मतलब मैं इसको अब बेलने वाली हूँ, तो बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपको बेलना है, ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है। बहुत ही सॉफ्ट होती है ना तो जल्दी से फट जाती है, तो हमें बहुत ही ध्यान में रख कर इसे बेलना है। आप देख सकते हैं मैं कितने हल्के हल्के हाथों से बेल रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है ये ना। मतलब आप रोज़ बना करके खा सकते हैं, मतलब इतना बेनिफिट तो इसका इतना होता है ना कि आप मतलब गेहूं का रोटी आप नहीं खाइएगा। अगर आप डाइटिंग पर है ना तो इस चीज़ को हमेशा ही बनाकर खाइएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आजकल मेरे घर में ना डाइटिंग पे चल रहे हैं कुछ लोग, तो इसीलिए मैं आजकल यही बना रही हूँ। तो ये ना इसमें ना कार्ब थोड़ा भी नहीं रहता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ये रागी। आप चाहे ना रोटी ज़रूरी नहीं है, रोटी ही आप बनाएंगे, आप चाहे तो इसका चीला भी बना सकते हैं, इसका डोसा भी बना सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट होती है। तो हमारी रोटी है ना कितनी अच्छी से फूल रही है, आप देख सकते हैं। तो आप इस मेज़रमेंट के साथ बनाइएगा ना तो आपकी भी रोटी इतना ही फूलेगा और इतना ही अच्छा बन करके तैयार होगा। मैं दूसरी वाली भी दिखा देती हूँ। तो ये ना तवा जो है ना, ये नॉर्मल तवा है जो घर में सभी के घर में मतलब मिल जाएगा आसानी से, ये कोई नॉनस्टिक तवा नहीं है। आप चाहे ना तो इस मिट्टी का बर्तन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ही बढ़िया बनती है। मैंने उसमें भी ट्राई किया है बट मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया है, बट मैं शेयर करूँगी। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बन रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मतलब इतना अच्छा रोटी भी बन सकता है, वो भी रागी का आटा का। तो मैंने सारे रोटी बना करके तैयार कर लिए हैं, मस्त बना है। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए इतने गर्म है ना, छोया भी नहीं जा रहा है, बट मैं फिर भी उस दिखाती हूँ। ये देखिए कितने जालीदार बने हैं, साइड से इस साइड से दोनों से इक्वल बने हैं, बहुत ही अच्छा बना है। आप ना गेहूं का रोटी बनाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये खाने में। तो हमारा रोटी तैयार है, हमारा चटनी भी तैयार है और सब्जी भी तैयार है। तो अब करेंगे प्लेटिंग। तो अब प्लेट लगाने की बारी है। तो आप देख सकते हैं मैंने दो कटोरी लिया है, एक कटोरी में मैं अचार डालूंगी, मतलब अचार मतलब जिसको हम चटनी बोलते हैं, यहाँ पे ना चटनी को अचार बोला जाता है। तो इस तरह से सब्जी के साथ रागी की रोटी बहुत ही बढ़िया लगती है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। और मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर से देखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।